खबर रोहतास जिला के चेनारी से है, जहां माले कार्यकर्ताओं ने महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। इन लोगों ने प्रखंड कार्यालय का घेराव किया एवं प्रधानमंत्री का पुतला भी फूंका। माले कार्यकर्ताओं का कहना है कि देश में लगातार महंगाई बढ़ रही है, वस्तुओं के मूल्य पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। ऐसे में बड़ी बड़ी कंपनियों ने आम जनता के बीच लूट मचाई हुई है। रसोई गैस से लेकर खाद्य तेल तक आम आदमी की पहुंच से दूर हो गया है। वहीं डीजल पेट्रोल के दाम में बेतहाशा वृद्धि के कारण यातायात एवं कृषि कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इन सबके खिलाफ माले कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हैं। रोहतास से पब्लिक न्यूज टीवी के लिए आशुतोष कुमार की रिपोर्ट। इस डीजल और पेट्रोल तमाम माथू पर जो है महंगाई का रोक लगाए और तमाम वही 2014 में अपने मुखर बिंदु से बोले थे, गरीबों को, नौजवानों को किसान में 2 करोड़ बहाली निकालने के काम करूंगा, लेकिन आज तक ले उनकी बहाल तो आया नहीं। यह तमाम क्षेत्र में निजीकरण करने के काम किए। और दूसरी बात यह है कि उन्होंने गैस का प्लान लाए, पूरा देश में फ्री में गैस बांटने के काम किए। आज तमाम गरीबों पर सिलेंडर महंगा कर गरीबों पर शोषण कर रहे हैं, जो इसलिए हम लोग उनको विरोध प्रदर्शन करते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं वो करते नहीं है।